मार्क जुकरबर्ग की एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको आप कहते हैं इलेक्टिव एफिनिटी, जब हम बेसिकली व्हेन वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उस संदर्भ में उस कंटेक्स्ट में इलेक्टिव एफिनिटी की बात करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैपिटलिज्म। जब हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्रोटेस्टेंट्स की लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें जुड़े हुए हैं जो उसकी कैपिटलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है या कैपिटलिस्ट के साथ कैपिटलिज्म की एथिक्स के साथ मैच करती है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट क्रिएटेड कंसियसली, इट इज पार्ट ऑफ देयर ओन वैल्यूज एंड इथोस रिलेटेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म। ये नहीं कि उनको एक एक्सटर्नल तरीके से दिखाया गया, बट कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ एथिक्स इनकी प्रोटेस्टेंट्स के एथिक्स के साथ मैच हो रही है और इसलिए उसको हम कहते हैं इलेक्टिव एफिनिटी। सो दैट मीन्स अपने आप में एक एफिनिटी को रिलेशनशिप को देखते हैं, जो रिलेशनशिप यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स एज ए रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस सेक्ट और उसके साथ कैपिटलिज्म के एक संबंध की बात यहाँ पे मार्क्स वेबर करते हैं।